जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंटिंग में हम मन लिखते हैं तो अक्सर हम गलती अब लोग क्या करते हैं सीधा ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसे वन नहीं होता। वन कैसे होता है? एक्चुअल में वन ऐसे होता है, और उसके बाद टू हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में टू कैसे होता है? जो स्टार्ट हुआ था राइटिंग करना तो टू ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जेड है, ये कैसे मुमकिन है, और थ्री कैसे है, थ्री कैसे लिखा गया? सबसे पहले वो ऐसे लिखा गया। और उसके बाद फोर जो है वो उससे कैसे लिखा गया? सबसे पहले वो ऐसे लिखा गया। फाइव कैसे लिखा गया? ऐसे फाइव ऐसे लिखा गया। ऐसे और सिक्स कैसे लिखा गया? वो लिखा गया ऐसे। और सेवन कैसे लिखा गया? सबसे पहले वो लिखा गया ऐसे। एट कैसे लिखा गया? लिखा गया है। और नाइन कैसे लिखा गया? सबसे पहले वो लिखा गया ऐसे ऐसे। और टेन उस पर बाद में आते हैं, क्योंकि और वन तो मैंने बताया ही दिया कैसे लिखा है। यह है हिस्ट्री हमारी काउंटिंग की। जब इन हिंसों की शुरुआत हुई, जो हिंसे लिखे गए नंबर्स, हिंसे या नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, नंबर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि एंगल यानी जाविया जाविया जो होता है वो कैसे होता है? एंगल। ये जाविया है, कोई भी जाविया है, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। अब अगर इस वन में देखेंगे आप, इसमें कितने एंगल्स हैं? इसमें वन एंगल, ये वाला एंगल है, यानी वन एंगल। ये जो है टू ऐसे लिखा गया, बाद में इसकी शक्ल जो है बिगड़ के फिर ऐसे हो गई, अब ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे ही था। इसमें कितने जाविये हैं? वन और टू, ये और ये दो एंगल्स हो गए, टोटल दो एंगल्स, तो ये हो गया टू। इसे कहा गया टू एंगल्स। ये थ्री जो है बजाहिर ये कैसे था? ऐसे। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, और ये यहां से तीसरा एंगल, तो इट मींस थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स। और जो ये फोर है इसमें कितने एंगल आ गए? ये हो गया फोर। हम चार को ऐसे लिखते हैं ना, चार ऐसे ठीक नहीं है, एक्चुअल में चार ऐसे होता है। ये वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, और ये हो गया फोर्थ एंगल। ये हो गए फोर एंगल्स,
फोर फाइव, उसके बाद फाइव, फाइव जो है यहां पे एक एंगल हो गया, ये दो एंगल हो गए, तीन एंगल हो गए, चार एंगल हो गए, ये फिफ्थ एंगल हो गए। यानी कैसे है, ऐसे मैं बड़ा लिखूंगा ताकि ताकि आपकी समझ में आ सके। ये फाइव ऐसे लिखा गया था, सबसे पहले ये एक एंगल था, ये दूसरा एंगल था, और ये तीसरा एंगल था, ये चौथा एंगल था, और ये पांचवा एंगल था। तो ये हो गए फाइव एंगल्स, फाइव एंगल्स। उसके बाद सिक्स, सिक्स ये था, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, और ये हो गया छह एंगल। कैसे, ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव, और ये हो गया सिक्स, ये हो गया सिक्स एंगल्स, ये हो गया सिक्स एंगल्स। फिर हो गया सेवन, हमारा सेवन जो है कैसे था, ऐसे। और अक्सर लोग इसको ये डालते हैं, ये करेक्ट है, कुछ लोग बोलते हैं ये क्यों डालते हो, कभी कभी बहस चल जाती है लोगों में कि ये जो बीच में सेवन के डालते हैं ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है। तो ये क्या था, ये यही में आपको समझ आ जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ये एक एंगल हो गया, ये दो एंगल हो गए, ये तीन एंगल हो गए, चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच छह और सात, ये सेवन एंगल। इसमें भी एंगल्स का ही है। उसके बाद यहां पे आठ, कैलकुलेटर वगैरह में अभी भी आठ ऐसे ही होता है, तो ये सीधे ही हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, एट एंगल्स। एट एंगल्स। उसके बाद ये नाइन हो गया, ये नाइन ऐसे था एक्चुअल में, इसकी शक्ल ही ऐसी थी। ये चार हो गए वन टू थ्री और फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और यहां पे इसको नीचे चूर थी, ये हो गए नाइन, और ये हो गए नाइन एंगल्स। उसके बाद टेन, वन का तो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है, लेकिन ये जो जीरो का कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई एंगल है, ये 360 है, इसका मतलब इसमें कोई एंगल नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ जीरो एंगल। हो गया जीरो एंगल्स। तो ये हमने थोड़ा बहुत इस पर काउंटिंग भी किया, यहां से हमें पता चला कि ये एंगल्स की वजह से जो है वो गिनती बनी थी।